हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मिल। जैसे कि आप सबको पता है एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, कई बच्चों के एग्ज़ाम शुरू भी हो गए हैं, है ना। और बहुत स्ट्रेस का माहौल है, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, कितनी प्रैक्टिस करें, है ना। आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है और अच्छा स्कोर करना है टर्म 2 एग्ज़ाम में। तो आज मैं आपकी हेल्प करने के लिए क्लास 8 मैथ्स के टर्म 2 के चैप्टर 9, 10 और 11 के आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ। आप इन्हें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना ताकि आप इन एग्जाम्स में बहुत अच्छा स्कोर कर सको। ओके, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल ताकि मैं आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ बनाती रहूँ, है ना। तो आपको अगर ये और वीडियोज़ देखने हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके स्टूडेंट, दिस इज एक्सरसाइज 9.1 ऑफ चैप्टर 9। इसमें आपके जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको फर्स्ट क्वेश्चन में जो आपका है आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर कोफिशिएंट, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क क्वेश्चन में। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और बायनोमियल मोनोमियल भी आपको कई बार फाइंड करने के लिए आते हैं 1 मार्क क्वेश्चन में, ठीक है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन से आपके ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। मगर आपको फिर भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इसमें आप सेकंड पार्ट कर सकते हैं, ठीक है, और थर्ड पार्ट कर सकते हैं। और सब्ट्रैक्ट में सब्ट्रैक्ट आपका सी पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आप ज़रूर प्रैक्टिस कर लें। ओके, 9.2 एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल सी है, ठीक है। इसमें आपको सिंपल प्रोडक्ट के क्वेश्चन है, तो कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और आप करना चाहें तो कर भी सकते हैं, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 से कई बार पूछा जा सकता है। नाउ एक्सरसाइज 9.3 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। इसमें आपका प्रोडक्ट जो है वो हम किसको कर रहे हैं, बायनोमियल को मोनोमियल से कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में थर्ड पार्ट और सेकंड पार्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में डी पार्ट आपका इम्पॉर्टेंट है, इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और बी पार्ट की, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही पढ़ना है, इसके अलावा पूरी एक्सरसाइज प्रैक्टिस करनी है। ये जस्ट आपकी हेल्प के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नाउ एक्सरसाइज 9.4, इसमें हम बायनोमियल को बायनोमियल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये एक्सरसाइज काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसमें से आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट एंड 6th पार्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का आप 4th पार्ट कर सकते हैं, एंड क्वेश्चन नंबर 3 के 4th, 6th and 8th part. Okay. Now exercise 9.5. This is very important exercise. यहाँ से question जरूर आता है, ठीक है। तो हर identity पर based question है इस exercise में, और आपने इस exercise को बहुत अच्छे से practice करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 सारे सिंपल क्वेश्चन है, कई बार 1 मार्क में यहाँ से एक आध क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। यहाँ से आपका 3rd एंड 2nd, ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका 3rd पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 से आपकी ये आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे कि 6 का 6th पार्ट, ओके, एंड 4th पार्ट, वेरी इम्पॉर्टेंट। 7th का 1st एंड 3rd, एंड 8th क्वेश्चन का भी 1st एंड 3rd, दीज आर वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके, नाउ मूव टू चैप्टर 10। चैप्टर 10 में कई बार आपसे ये मैचिंग पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो ये भी आप देख लें, बहुत इजी है चैप्टर 10। और ये 4th क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से आपको फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू ड्रॉ करने के लिए आता है, ठीक है। 10.2 कोई इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज नहीं है। नाउ एक्सरसाइज 10.3 में आपको पॉलीहेड्रन्स के बारे में पता होना चाहिए। एक्सरसाइज में इसके क्वेश्चन ना भी हो तो भी आपने पढ़ के जाना है कि पॉलीहेड्रन्स क्या होते हैं। ओके, देन एक्सरसाइज 10.3। ठीक है, 10.3 में आपको ऑयलर्स फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत अच्छे से करने हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ से क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से आपको एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा। ओके तो बहुत अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लें। नाउ चैप्टर 11, चैप्टर 11 में एक्सरसाइज 11.1 से ये मिसेस कौशिक वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4, दीज टू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। 11.2 में 11.2 में आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके बाकी सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन तो आपने करने ही है कि ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड कीजिए, रोम्बस का एरिया फाइंड कीजिए। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके एंड क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8, दिस एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। ओके नाउ 11.3 में आपका क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। डेनियल वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आता है। इसके अलावा आपका ये रोड रोलर वाला क्वेश्चन और 10th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें बहुत अच्छी तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए। नाउ इन एक्सरसाइज 11.4, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, दीज आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके एंड question number 8. So this is all about important questions of chapter 9, 10 and 11. आपको और भी questions practice करने हैं, examples भी practice करने हैं, but ये थोड़ा important question है, इन्हें बहुत अच्छे से practice करना है। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अच्छे से practice करोगे। maths में सिर्फ देखकर काम नहीं चलता, आपको लिख लिख कर practice करनी है और आप बहुत अच्छा score करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जिसमें मैं नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी। तब तक बाय स्टूडेंट्स।